Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारतीय नौसेना के बेड़े में स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी पनडुब्बी को शामिल किया गया है। अब जल्द ही इसे औपचारिक रूप से कमीशन किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें, सरकार की मेक इन इंडिया प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। गौरतलब हो, भारतीय युद्धपोत निर्माता कंपनी मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने परियोजना P-75 की तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS करंज भारतीय नौसेना को सौंपी है। 2022 तक सभी 6 पनडुब्बियां नौसेना को सौंप दी जाएंगी। INS करंज में सतह और पानी के अंदर से टॉरपीडो और ट्यूब लॉन्च एंटी शिप मिसाइल दागने की क्षमता है। यह सटीक निशाना लगाकर दुश्मन की हालत खराब कर सकती है। 50 दिनों तक समुद्र में रह सकती है ये पनडुब्बी। कलवरी क्लास की कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने फ्रांसीसी कंपनी मेसर्स नेवल ग्रुप के साथ किया है। यह पनडुब्बी 50 दिनों तक समुद्र के भीतर रह सकती है और एक बार में 12,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। इसमें 8 अफसर और 35 नौसैनिक काम करते हैं और ये समुद्र की गहराई में 350 मीटर तक गोता लगा सकती है। समुद्र के अंदर बारूदी सुरंगें बिछाने में भी ये टैंक सक्षम है। कलवरी क्लास की पनडुब्बी समुद्र के अंदर 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इनमें समुद्र के अंदर किसी पनडुब्बी या समुद्र की सतह पर किसी जहाज को तबाह करने के लिए टॉरपीडो होते हैं। इसके अलावा समुद्र में बारूदी सुरंगें भी बिछाई जा सकती हैं। INS करंज स्टेल्थ और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन समेत कई तरह की तकनीकों से लैस है ये पनडुब्बियां, इसलिए इसे लंबी दूरी वाले मिशन में ऑक्सीजन लेने के लिए सतह पर आने की जरूरत भी नहीं है। INS करंज को 2018 में समुद्री परीक्षणों के लिए भेजा गया था। अब 2020 में पूरे हुए समुद्री परीक्षणों में यह खरी उतरी है, इसलिए अब 4 से 5 महीने के अंदर नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकती है ये। सतह और पानी के अंदर से टॉरपीडो और एंटी शिप मिसाइल दागने की क्षमता है इस पनडुब्बियों में। INS करंज में सतह और पानी के अंदर से टॉरपीडो और ट्यूब लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल दागने की क्षमता है। यह सटीक निशाना लगाकर दुश्मन की हालत खराब कर सकती है। सामान्य तौर पर पनडुब्बी को उसकी आवाज की वजह से पकड़ा जाता है, लेकिन इस पनडुब्बी में आवाज को काफी कम किया गया है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.